Santi, good job. Oh, thank you. तो अमेरिका में मैं बनाने जा रहा हूँ अपना एक नया घर, और जो मेरा नया घर है वो होगी ये वैन। चलता फिरता घर होगा पूरा, और ये जो अभी आप नीचे जितना भी ये सामान देख रहे हैं मैंने सब डिस्प्ले में आप लोगों के लिए लगाया हुआ है कि आप लोग देख सकें कि आरवी कैसे बनाए जाते हैं। इस वैन को मैं एक मिनी आरवी बनाऊंगा अंदर से, जो आपके घर के अंदर सारा सामान होता है ना कि भैया बेडरूम, किचन, बाथरूम वगैरह, वो इस घर के अंदर सब चीज़ें होंगी। इसको मैं एक स्टूडियो अपार्टमेंट के जैसे बनाऊंगा, और मैं खुद बना रहा हूँ इसको। तो अब मैं वैन आप लोगों को दिखाता हूँ अंदर से। अभी वैन बिल्कुल खाली है, और जब बन जाएगी तो फिर आप लोगों को भी आइडिया होगा कि यार वैन कितनी ज़्यादा खाली थी और एकदम से कैसे चेंज हो गई है। तो ये है अंदर से अभी वैन का नज़ारा। जो वैन है बिल्कुल खाली है, और अभी 3 दिन पहले ना मैंने ये जो आप पैनलिंग देख रहे हो ये सब नई पैनलिंग मैंने लगाई थी। सुबह से मैं लगा था, पूरी शाम हो गई थी मेरे को ये लगाने में। तो चलो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट प्रोसेस इसको आरवी बनाने के लिए। तो अभी हम लोगों ने यहाँ पे काम स्टार्ट कर दिया है, ये है सेकंड डे। सो व्हाट वी आर डूइंग टुडे ली, ओके। सो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं सोलर पैनल का काम। तो ये काफ़ी सारी इलेक्ट्रॉनिक यहाँ पे चीज़ें आपको धीरे धीरे मैं बताता जाऊँगा। फिलहाल हम लोग यहाँ पे लगा रहे हैं बैटरी, और जो सोलर कंट्रोलर है और इन्वर्टर है उसे हम लोग देख रहे हैं कि कहाँ पे फिट हो सकता है, उसके बाद हम लोग सोलर पैनल लगाएंगे टॉप पे। सो गुड मॉर्निंग गाइस, ये है नेक्स्ट डे, और ये देखो यार कैसे सामान सब बिखरा हुआ है। कल हम लोग जब काम कर रहे थे तो यहाँ पे हमारे पास कुछ ऐसा सामान नहीं था जिसके बिना हम लोग नेक्स्ट स्टेप पे जा नहीं सकते थे, तो इसीलिए हम लोगों ने ये यहीं पर ही छोड़ दिया था। अभी सुबह सुबह मैं जाके हार्डवेयर स्टोर से सारा सामान ले आया हूँ, और आज जो मैं काम करने वाला हूँ, आज मैं अकेला हूँ क्योंकि ली जो है ऑफिस गए हैं। आज जो सोलर पैनल है ना वो मुझे माउंट करने हैं टॉप ऑफ दिस वैन, एंड और इसको ये यहाँ पे सारी चीज़ें मेरे को कनेक्ट करनी है। टाइम आ गया है सोलर पैनल लगाने का। तो यहाँ पे है 2 सोलर पैनल हैं, और एक जो सोलर पैनल है ना 210 वोल्ट का है, तो 420 वोल्ट के जो सोलर पैनल है काफ़ी ज़्यादा पावर प्रोड्यूस करेंगे। अभी मेरे पास सिर्फ 100 एम्प है जो बैटरी है, जल्दी मैं और भी उसमें ऐड करता जाऊँगा। तो अभी जो है सोलर पैनल मैंने ऊपर लगा दिए हैं, और मेरे को इसे लगाने में कुछ 45 मिनट्स लगे हैं। मेरे को यहाँ पे इनको कॉकिंग भी करना पड़ा और बहुत सारी चीज़ें की हैं यार, मतलब मोटा मोटा लगा लो 45 मिनट में मैंने अभी ऊपर सेट कर दिया है। अभी नीचे चलते हैं और जो वायरिंग वगैरह रह गई थी उसको कम्प्लीट करूँगा मैं। तो ये जो अभी आप 2 वायर देख रहे हो ये आ रही है सोलर पैनल से, और ये है 12 गेज वायर, और ये जो वायर है ना ये इस चार्जर कंट्रोलर के अंदर लगती है, और चार्जर कंट्रोलर से फिर जो 2 वायर आएंगी वो जाएगी इस बैटरी के अंदर, फिर ये बैटरी के अंदर जो भी है भैया पावर होगी वो सीधा जाएगी वो जो इन्वर्टर लगा हुआ है उधर इन्वर्टर में, वहाँ से मैं अपना लैपटॉप जो भी लाइट वगैरह है मैं सब कुछ अपना चला सकता हूँ। बट मैंने बीच में यहाँ पे है ना एक 12 वोल्ट का यहाँ पे मैंने फ्यूज़ बॉक्स लगाया है, इससे मैं ना ये जो फ़ैन मैंने यहाँ लगाया हुआ है ना ऊपर ये फ़ैन वगैरह चलाऊंगा, और एक LED लगाऊंगा वो मैं इससे चलाऊंगा। इन फ्यूचर जो भी मैं और भी चीज़ें मैं यहाँ पे लूँगा तो वो इस 12 वोल्ट फ्यूज़ में मैं लगाऊंगा। तो फाइनली जो मैं अटैच करने जा रहा हूँ सोलर पैनल की वायर, तो मैं लगाने जा रहा हूँ लास्ट वायर, और ये ब्लैक वायर जाएगी यहाँ पे, और जैसे ही ये जाएगी तो बैटरी चार्ज होना चालू हो जाएगी। बट मैंने सोलर पैनल को है ना कवर किया हुआ है वो हटाना पड़ेगा, बट अभी भी है थोड़ी बहुत पावर आ रही है मैंने चेक किया था यहाँ पे, तो चलो देखते हैं। फाइनली ये जो चल पड़ा है, और बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है, इतनी खुशी मेरे को पता नहीं लास्ट टाइम कब हुई थी। तो आज मेरा थोड़ा दिल भी थोड़ा सा है ना मतलब धक धक ज़्यादा कर रहा था, क्योंकि जब मैं वायर कनेक्ट कर रहा था ना अगर एक वायर भी अगर गलत लगी हुई होती ना तो सारा सिस्टम खराब हो जाना था। बट बहुत अच्छा है यार सारा सिस्टम चल रहा है यहाँ पे। तो आज है डे 3, आज मैं बनाऊंगा यहाँ पे अपना बेड, जो फिलहाल मैं बना रहा हूँ बेड फ्रेम। और सो फाइनली बेड फ्रेम हो गया है यहाँ पे रेडी। तो ये लगा दी है मैंने प्लाईवुड, और अभी प्लाईवुड को मैं स्क्रू डाउन करूंगा, बट भाई ये बन गया है बेड।
और मज़ा आ गया। बहुत ही बड़ा बेड है, आराम से 2-3 बंदे यहाँ पे सो सकते हैं। और इसके जो नीचे मैंने थोड़ा स्पेस किया है, अगर और भी बंदे ट्रैवल करते हैं जैसे मेरे फ्रेंड्स वगैरह फैमिली आ जाती है, वो भी आराम से लेट सकते हैं। मैं तीन दिन हो गए हैं, 4 दिन हो गए हैं, मैं सुबह से शाम तक इस फैन में ही लगा रहता हूँ और कुछ काम नहीं कर रहा हूँ। बट सुबह उठता हूँ, आइडिया लगाता हूँ कि क्या क्या करना है। फिलहाल 3 दिन में मैंने ये बना दिया है, बेड तक पहुंच गया हूँ। अब किचन पे काम करना मैं चालू करूंगा। तो अभी टाइम आ गया है किचन जो है वो इंस्टॉल करने का। तो ये यहाँ पे है मेरे पास जो किचन कैबिनेट है, मैं ये लगाऊंगा। फिर सिंक वगैरह लगाता हूँ, बहुत सारी चीजें है यार। अभी पेंट किया था, ये देखो पूरे कपड़े पेंट वेंट के हो रखे हैं, सब जैकेट और पैंट सब खराब हो गई है पेंट से। तो अभी मैं वॉलमार्ट में आया हूँ गैस स्टोव लेने के लिए। सारा काम हो चुका था और बिल्कुल दोस्तों को दिखाने के लिए जा रहा था, एकदम से मेरे को याद आया कि यार मैंने गैस स्टोव तो लिया ही नहीं है। तो अब मैं आया हूँ गैस स्टोव लेने के लिए, फटाफट इसकी पेमेंट करते हैं। तो टाइम आ गया है वैन आप लोगों को दिखाने का, बट उससे पहले मैंने अपनी वैन जो है अपने दोस्तों को दिखाई है और मैंने उन लोगों का रिएक्शन मैंने जो है रिकॉर्ड किया है कि उन लोगों को कैसा लगा, क्योंकि वो सब लोग मेरी जो वैन है ना बिल्कुल खाली देख चुके थे। सिर्फ एक ली ने जो है मेरी वैन जब तक देखी है कि जब हम लोगों ने सोलर पैनल लगाया था और जो ये फैन है फैन लगाया था। तो इसके बाद जो ली ने भी है ना वैन देखा नहीं है कि मैंने क्या क्या काम किया है यहाँ पे अकेले में। तो पहले आप लोग वो रिएक्शन देखो, फिर उसके बाद मैं आप लोगों को पूरी वैन दिखाता हूँ। You sure? You got it all right? All right, man. All right, we're gonna open it up and look at it. Wow. Oh my gosh. Holy smokes. I want you to do me one. I will do for you one. Yo, but this place is sick. Damn, I got the bed and everything, but this one looks cozy. It's so pretty in here. I love it. I changed the lights when I jumped. Yeah. Look at the lights. Yeah. Then Jira. Jira, it's a cumin seed. Okay. So I... So we're gonna have some party soon. Yeah. Very inventive. I'm like one of them models on TV. See? Yeah. We can do party. Little... You don't even drink. I do sometimes. Do you? Sometimes for company. Okay. And this is this your power center here? Yeah, this. See? Nice. Just very, very nice. Plenty of heat. Yeah. That's nice. Santi, good job. Oh, thank you. I appreciate. Good job. Motel. You are in motel? Yeah. Tall boy like me. I'm singing in the rain. I'm singing. Well, you know. I like all of it. You like? And Spice Rack. Spice Rack's pretty and cool. Ingenious. Yeah, thank you. Very good. Oh, oh my God. ये लुक और लुक को भी काफी ज्यादा पसंद आई है वैन, और सब लोग का मैंने रिएक्शन लिया, सब लोग को पसंद आई है वैन। और अब टाइम आ गया है आप लोगों को दिखाने का। और जल्दी मैं ना ट्रैवल करने वाला हूँ न्यूयॉर्क में। मैंने एक पोस्ट भी डाला था इंस्टाग्राम पे, और आप लोगों में से कोई भी अगर मुझसे मिलना चाहता है तो मैं पक्का मिलता हूँ न्यूयॉर्क सिटी में। मैं आशा करता हूँ आप लोगों को पसंद आई है लाइक करना मत भूलो, चैनल सब्सक्राइब कर लो, एंड बिलीव इन योरसेल्फ एंड मेक योर ड्रीम्स कम ट्रू। आई लव यू दोस्तों, बाय, टेक केयर। गैंग।